हे एवरीवन, दिस इज अमित एंड वेलकम बैक टू इट अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू बिकम अ हैकर आफ्टर 10th एंड 12th। आप 10वीं और 12वीं के बाद किस तरह से आप हैकर बन सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और हर एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है जब वो क्लास 10 में होता है, 12th में होता है, 12th से पहले या 10th से पहले कि मुझे हैकर बनना है और मैं कैसे बन सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए अभी जिससे मैं एक हैकर बन सकता हूँ। तो अगर आपके मन में भी इस तरह का डाउट है, सवाल है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा 100% डाउट क्लियर कर दूंगा और मैं आपको बहुत ही अच्छा से बताऊंगा। तो मैं इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में कवर करने वाला हूँ। पहला हम लोग बात करेंगे कि अगर आप क्लास 10 में हो या उससे पहले नीचे क्लास 9, 8, 7 में हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप क्लास 10 कंप्लीट कर लिए हो तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप 12 कंप्लीट कर लिए हो तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए इस वीडियो का 3 पार्ट होने वाला है। अब जिस किसी में भी हो, आप क्लास 10 में हो या उससे नीचे क्लास में हो, या क्लास 10 कंप्लीट कर चुके हो या 12 कंप्लीट कर चुके हो, तो उसके हिसाब से मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पे प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी के बारे में वीडियो बनाता हूं। तो अगर आप इस चीज सीखने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप क्लास 10 में हो या 10 से नीचे वाला क्लास में हो, जैसे 9 में हो, 8 में हो या 7 में हो, और आप हैकर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो मेरा एडवाइस यही होगा आप लोगों के लिए कि सबसे पहले आप अपना क्लास का जो पढ़ाई होता है, स्कूल में जो पढ़ाई हो रहा है, आप उसके ऊपर फोकस करो। फर्दर के लिए आप भूल जाओ हैकिंग के बारे में। आप अपना जो पढ़ाई होता है और वो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको उसको पढ़ना चाहिए। और सच में आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो हैकिंग को लेकर, तो आपको कंप्यूटर का बेसिक के बारे में जानना चाहिए, जिसका कोर्स मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, बहुत जल्द अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर का जो बेसिक फंडामेंटल होता है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तब उसको सीखो, राइट। इसके साथ आप बेसिक प्रोग्रामिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रोग्रामिंग टोटली ऑप्शनल है, लेकिन आप सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, थोड़ा सा आप प्रोग्रामिंग का भी फील ले सकते हो। तो यह था एडवाइस उसके लिए जो क्लास 10 में है या 10 से नीचे की क्लास में और हैकर बनना चाहता है, तो आपको ये करना चाहिए। हम लोग का सेकेंड सिनेरियो है कि आप क्लास 10 पास कर चुके हो और आप हैकर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपके लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये हुआ कि मुझे कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए, क्या मुझे साइंस लेना चाहिए, क्या मुझे आर्ट्स लेना चाहिए और क्या मुझे कॉमर्स लेना चाहिए अगर मैं हैकर बनना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता दूं, हैकर बनने के लिए मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम को होना आपको जरूरी नहीं है कि आप हैकर बनने के लिए आपको साइंस ही लेना पड़ेगा या कॉमर्स ही लेना पड़ेगा या आर्ट्स ही लेना पड़ेगा, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप हैकर बनना चाहते हो तो आप किसी भी स्ट्रीम में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो साइंस में तो साइंस ले लो, अगर आप इंटरेस्टेड हो कॉमर्स में तो कॉमर्स ले लो, अगर आप इंटरेस्टेड हो आर्ट्स में तो आर्ट्स ले सकते हो। हैकिंग सीखने के लिए, हैकर बनने के लिए आपको कोई भी यहाँ पर ऑब्स्टेकल नहीं है। मैंने बहुत को देखा है जो हैकर है और वो साइंस बैकग्राउंड से, मैंने बहुत को देखा है जो हैकर है और कॉमर्स बैकग्राउंड से। फॉर एग्जांपल अभिषेक भैया का एक चैनल है टेक्निकल सागर, वो हैकर है और वो कॉमर्स स्ट्रीम से, राइट। उन्होंने 11 12 में कॉमर्स लिया था और इसके बाद बीकॉम किए थे, तो कोई स्ट्रीम में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। या फिर आर्ट्स से भी हो तो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रीम से लेके पहले आप कन्फ्यूजन मत रहो कि मुझे हैकर बनने के लिए कौन सा स्ट्रीम लेना पड़ेगा, आप कोई भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। तो क्लास 10 कंप्लीट करने के बाद आप 11 में एनरोल करते हो तो आपके पास 2 साल होता है, एक 11 का एक साल 12 का। तो 11 और 12 में आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अगर आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आप उसको सीखो, और सीखने के बाद आप प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करो। आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पाइथन के साथ जाओ क्योंकि पाइथन बहुत ही इजी होता है एक बिगिनर के लिए, या फिर आप चाहे तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो उसको सीख लो। इसके साथ आप नेटवर्किंग का भी फील लो, राइट। आप नेटवर्किंग के बारे में भी जानो कि इंटरनेट कैसे काम करता है, जब हम लोग कोई भी चीज कंप्यूटर में करते हैं तो फिर कनेक्ट कैसे होता है सर्वर के साथ, क्या पास होता है, क्या मैसेज आता है, कैसे होता है, इस तरह जो इतना भी नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट होता है TCP/IP, HTTP, HTTPS, IP address, ऑल बहुत सारे नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट होता है, अब उसके बारे में जानो समझो। इसके साथ आप जो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। फॉर एग्जांपल विंडोज सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप विंडोज के बारे में समझो, थोड़ा सा जानो। एक बार जब आप विंडो को समझ लेते हो तो आपको लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा सीखना चाहिए, उसका भी थोड़ा सा फील लेना चाहिए। बेसिकली क्या है, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हो तो आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हो, उससे होगा कि आप बेसिक जानना बेसिक का समझना स्टार्ट कर दोगे कि क्या कर कमांड होता है, कैसे काम करता है, किसके लिए क्या करना पड़ता है, राइट। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है एक हैकर को। इसी के साथ आप जो बेसिक टूल होता है, जो टूल को हैकर यूज करता है हैकिंग करने के लिए, आप उसके बारे में समझो, उसको बनाया कैसे गया है, बेसिक स्क्रिप्ट के बारे में जानो। ये सब चीज आप कर सकते हो जब आप 11 और 12 में हो, राइट, ये 2 साल में अब ऐसा चीज आपको करना चाहिए। हम लोग थर्ड सिनेरियो की बात करते हैं कि अगर आप क्लास 12 कंप्लीट कर चुके हैं तो आगे क्या। तो सबसे पहले अगेन, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो आप यहाँ पे इंजीनियरिंग कर सकते हो कंप्यूटर साइंस में। हालांकि हैकर बनने के लिए आपके पास कंप्यूटर साइंस का डिग्री होना का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस का डिग्री नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, हैकिंग तो टोटली अलग डिफरेंट दुनिया है। लेकिन अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस का डिग्री है तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा
हैकिंग में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास साइंस है तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में, और अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम से हो तो आप यहाँ पर बीसीए कर सकते हो। बेसिकली बीसीए साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबके लिए है, और इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस और आईटी में साइंस स्टूडेंट के लिए है। तो आप ये कर सकते हो, जिससे आपको क्या होगा, जहाँ पे आप बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखोगे और एक कंप्यूटर का जो फंडामेंटल होता है उसके बारे में सीखोगे, जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा हैकिंग सीखने में। हालांकि एक चीज मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे कि आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री में आपको हैकिंग के बारे में कुछ भी सिखाया नहीं जाएगा। वहाँ पे थोड़ा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट मिल सकता है आपको, लेकिन हैकिंग कैसे किया जाता है, हैकिंग क्या होता है, ये टोटली खुद से आपको सीखना पड़ेगा या बाहर का कोई कोर्स लेके आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर साइंस की डिग्री में हैकिंग के बारे में कुछ भी सिखाया नहीं जाता है। वहाँ पर बेसिक सा एक सब्जेक्ट होता है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो वहाँ पे आपको बेसिक थोड़ा सा हैकिंग का फील मिल सकता है, लेकिन हैकर बनने के लिए ऐसा कुछ वहाँ पे सिखाया नहीं जाता जिससे आप एक हैकर बन सको। वहाँ पे एक जनरल कंप्यूटर साइंस को सिखाया जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे हो जिसको कंप्यूटर साइंस का डिग्री नहीं करना है, उसको कंप्यूटर साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ हैकिंग ही सीखना है, तो उसके लिए क्या, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बहुत सारा रिसोर्स है उसको आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्री लर्निंग रिसोर्स यूज करना चाहते हो तो आपके पास यूट्यूब है, यूट्यूब पे बहुत सारा यूट्यूब चैनल है जहाँ से आप हैकिंग सीख सकते हो। दूसरा आपके पास वेबसाइट्स है, बहुत सारा वेबसाइट है जहाँ पे आप एथिकल हैकिंग को सीख सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और थर्ड है बुक्स, राइट, बहुत सारा हैकिंग का बुक्स आप खरीद सकते हो, पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, राइट। और इस सब का वीडियो मैंने बना रखा है इस चैनल पे, आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि बेस्ट यूट्यूब चैनल हैकिंग सीखने के लिए, आप इसको देख सकते हो। दूसरा वीडियो ये है जहाँ पे मैंने बताया है बेस्ट वेबसाइट जहाँ से आप एथिकल हैकिंग सीख सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ये वीडियो है। इसके साथ एक और वीडियो है जो ये वाला वीडियो है, इस वीडियो मैंने बताया है कि बेस्ट बुक्स जिसको आप यूज कर सकते हो एथिकल हैकिंग सीखने के लिए, राइट। ये तीन वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आपको, हो सके तो आई बटन में भी मिल जाएगा। ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। और अगर आपको इस तरह का और भी ज्यादा रिसोर्स जानना है, एथिकल हैकिंग का नॉलेज जानना है, सीखना है, तो ये चैनल जो आप देख रहे हो अभी कोडिंग चैट, चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना साथ में, राइट। इसके साथ आप बहुत सारा कोर्स को आप परचेस कर सकते हो, आप यूडेमी हो गया, कोर्सेरा, ईडीएक्स, यहाँ पर बहुत सारा हैकिंग का कोर्स होता है, लाइक साइबर रेडी, स्किल्स हियर, यहाँ पर बहुत सारा पेड कोर्स मिलता है हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के लिए, आप इसको भी सीख सकते हो। आप यहाँ पे कोर्स को परचेस कर सकते हो और सीख सकते हो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रैक्टिस करना, राइट। आप कितना प्रैक्टिस करते हो, आप कितना डेडिकेटेड हो, कितना कमिटेड हो, आप कितना मेहनत करते हो, आप कितना टाइम देते हो इस हैकिंग में, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा हैकर बनोगे। इसके साथ बहुत सारा सर्टिफिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल सबसे इंडिया में जो सबसे ज्यादा फेमस सर्टिफिकेशन है वो है CEH, दैट इज सर्टिफाइड एथिकल हैकर, तो आप इसको कर सकते हो। इसके साथ और भी सारा सर्टिफिकेशन है जो आपके लिस्ट यहाँ पर दिख रहा होगा, आप इसको कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारा चीज करने को है जो को आपको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए जो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट बताना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और अगर आप इस तरह और भी वीडियो देखना चाहते हो रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और साथ में अपना फ्रेंड को भी शेयर करना जो एथिकल हैकिंग सीखने में इंटरेस्टेड है। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां मैं बात करूंगा इसी तरह कुछ और प्रोग्रामिंग रिलेटेड टॉपिक, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड टॉपिक। So I will see you in my next video. Till the time, this is Amit and signing off.